समझते हैं ऊंटनी का दूध है, बकरी का दूध है, गधी का दूध है, ये तमाम गधी का दूध जी, गधी का दूध तो बहुत ही फायदेमंद है। जी गधी का दूध तो बहुत ही फायदेमंद है। और तो उम्मीद है वासे कि आपका गुंचा दिल खुशियों से शदाब होगा और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। आज हम देखेंगे कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग मौके की मुनासिबत के साथ अगले बंदे की बिजती करते हैं और बाज़ लोग मौके की मुनासिबत से अपनी बिजती करवा लेते हैं। मुख्तलिफ लोग देखेंगे, मुख्तलिफ चैनल्स देखेंगे कि किस तरह लोग एक दूसरे को अल्फाजों की चपेड़े भी कराते हैं। ये वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ भाईजान, बहुत अच्छे व्यूज और सब्सक्राइबर्स दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन शायद इसी वीडियो की वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ी एडिट करके कुछ चीज ऐड की है, कुछ निकाली है, दोबारा अपलोड की है। और अगर मैं दोबारा आपसे लाइक्स मांगू तो आपने ये नहीं कहना कि मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, भाईजान मुझे पहली मोहब्बत ही चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा लाइक्स चाहिए। सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया, जापान, जनूबी कोरिया, नेपाल तक ये भैचुक फैल चुका है। जब बंदे की गालियां देने की आदत हो ना तो उसके मुंह से गालियां निकल ही जाती हैं, उसका रिदम बना होता है ना। अगर जुमला मुकम्मल होने के एंड पे, फिक्रे के एंड पे अगर गाली नहीं ना निकालेगा तो उसकी सांस ही नहीं निकलेगी, ऐसा लगेगा जैसे, समझ रहे हैं ना आप। अगर वो किसी एक भी पैराग्राफ में गाली नहीं ना निकालता तो उसको लगता है कि मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये ऐनक वाला कंजर कौन बैठा हुआ है? ये ऐनक वाला कंजर कौन बैठा हुआ है? लगता है कि कॉल करने वाले कॉलर को इस हैनक वाले बंदे से कोई जाती दुश्मनी होगी। नहीं, लाइव टीवी पे कॉल करके बकायदा एक मखसूस बंदे को पॉइंट आउट करके कह रहा है कि ये कंजर कौन है, और ये आगे से बड़ी तसली से बेफिक्र होके बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कौन सी बड़ी बात है? मैंने सोचा यहाँ से शायद मुझे ऊपर चढ़ने का कोई जो ऊपर चढ़ने का कोई कहाँ ऊपर चढ़ना है आपको आप लोग चढ़े हो। पहली बात तो ये कि इसके बालों की तरह इसके अल्फाज भी उलझे हुए हैं, इसका फिक्र नहीं ठीक, मैं ऊपर चढ़ना चाहती हूँ, अरे मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, ये होता है। इस तरह की लड़कियाँ बचपन में बैतुल खला जाके फारिग हो के अपनी अम्मी को आवाज देती हैं, अम्मी कर ली है धो दे, और इनको मिस वीट के जरिए ऊपर चढ़ना है। नहीं, ये कैसी आवाज थी, ये कैसी अपील थी, ये अपील कहाँ से निकली है, ये अपील कर रहा है या अपील भीख में मांग रहा है? हाँ, मुझे नहीं पता, हाँ, मुझे नहीं पता, आउट दो, हाँ, मुझे नहीं पता। रात को जब बंदा सोने की कामिल कोशिश कर रहा हो ना तो मच्छर कानों के करीब आके इसी तरह की आवाज निकालता है। 50-100 नंबर याद होते थे, आज बहुत से लोगों को बीवी का नंबर याद नहीं। एक मिनट, क्या कहा, दोबारा दिखाना जरा। लोगों को बीवी का नंबर याद नहीं, माफ कीजिएगा। तो हम टू मच स्मार्ट आपके टेलीफोन नंबर की बात। जी जी, एग्जैक्टली। ओ अच्छा, चाचू वसीम आपके कहने का मतलब है कि कितनी बीवी है ये भी नहीं आजकल याद। अच्छा, यानी कि सीरियस सूरत हाल में भी मजाक करने की आदत नहीं जा रही। लेकिन फिक्र ना करो, किसी दिन इसी तरह सीरियस सूरत हाल में आपके साथ भी ऐसा वक्त आएगा, आपके साथ भी मजाक होगा। तीसरी तस्वीर ये बिल्कुल आपसे मिलता है। म्यूजिक कहा था ना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब मुंह बनाने का कोई फायदा नहीं है, जो मजाक करता है उसके साथ मजाक हो भी सकता है, इसी तरह जो जुगते कराते हैं वो जुगतों में आ भी जाता है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये होता रहता है, चलता है निजाम। बड़ी डीट बॉटल है भाई। म्यूजिक हफीज भाई, बाजी जैनब ने आपकी कौन सी ऐसी बात नहीं मानी जो आप उसको ढीठ कह रहे हैं। वैसे इस तरह की सूरत हाल में जिसकी बिस्ती होती है उसको समझ नहीं आती कि वो किस तरह हंसे, क्योंकि अगर चुप रहा तो ज्यादा बिस्ती महसूस होगी, इसलिए वो फिर कुछ इस तरह हंसता है और उसको हंसता देखकर देखने वालों का हंसा निकल जाता है। वो मैंने अपने कजन से 1000 रुपए लेना है, वो अगर भाई मेरे ना यार अरफान भाई 1000 रुपए मुझे वापस कर दे प्लीज, 5-6 दिन हो गए हैं, कॉल भी कर रहा हूँ वो उठा नहीं रहे हो,
तो मेहरबानी पैसे भेज देंगे। अरफान भाई दे दो इसका 1000 रुपया, टेंशन में है बेचारा, और आपको बस पैसे लेने का ही पता होता है। वो मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, रिप्लाई तो दो। अगर आप मर गए तो ये 1000 रुपया किसे लेगा? आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदारों से ये 1000 रुपया लेता चंगा लगेगा? टोरंटो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, दुबई में, और हमारी शक्लें भी शायद थकी थकी इसलिए लग रही है बिकॉज बहुत एक्टिव था वो, तो वहाँ पे इतना कमाल। लेजीनेस। वैसे ये क्या था, क्या करना चाह रही थी हानिया खतून? ये क्या नखरे हैं? अच्छा अच्छा नखरे थोड़े से, ठीक है। लेकिन ये एक सेकंड आगे पड़ा हुआ है कप चाय का, खुद क्यों नहीं पकड़ा? आपकी कमर में सरिया पड़ा हुआ है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खेल। इनके आउट हुए होते और टपाल की आज काफी जरूरत है। और टपाल लड़कियों ने आखिर बता ही दिया, दिखाई दिया कि इन कपों में कोई चाह चू नहीं होती, बस हमें कैमरे के सामने आने की चाह होती है। तो इसलिए ये चाह वाले इन लड़कियों को दिखावे की चाह पकड़ा देते हैं कि जाओ लड़की हो, अपनी कैमरे के सामने आने की चाह पूरी करो, साथ साथ हमारी भी प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने तो चाह नहीं देखनी, लोगों ने तो कप देखने है या कप दिखाने वालियां। मजाक हो रही है। ये कहां से आया? चाइना से आया। क्यों आया? मैं नहीं बताऊं। वजीर आजम से वापसी का इंतजाम करने की अपील कर रही हैं। एक तरफ हाथ जोड़कर अपील और दूसरी तरफ टिक्का पार्टी। अदाकारा मीरा की अमेरिका में बारबेक्यू पार्टी में शिरकत की वीडियो सामने आ गई। वो किसी होटल में नहीं, अपने होने वाले ससुराल में मौजूद हैं। देख लो भाई दिखावा कैसा इन लोगों का, कहते कुछ है करते कुछ है। मैं फंस गई हूँ लंदन में, मुझे आके यहाँ से कोई निकाले, इमरान साहब प्लीज कोई आके निकाले मुझे, लेकिन वहाँ पे टिक्का पार्टी बारबेक्यू चल रहे हैं, टेंशन ही कोई नहीं। इनका दोगलापन हम क्या कह सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, इसलिए छोड़ो दफा करो। 8000 रुपए की टिकट मिल रही है, मैं पूछता हूँ 8000 की टिकट मिल रही है, आप 8000 की टिकट क्यों नहीं ले लेते? हमारे पास 8000 रुपया होता तो हम दूसरी शादी कर लेते। ओ जियो चाचा, हमारे पास 8000 होता हम दूसरी शादी कर लेता। वैसे अंकल मजबूर 2.0 अपडेट वर्जन मैक्स पर हो, ये दूसरी शादी करके क्या है? अगर आपकी पहली बीवी है तो उसके तो अखराजात पूरे कर लो, 8000 में तो उस पहली के अखराजात नहीं पूरे होंगे, या हो सकता है पहली वफात पा गई हो, क्या मजबूर हो सकते हैं, क्या पता, हमें क्या पता। जो हेयर लॉस तकरीबन हो चुका था वो 23 की एज में हो गया था। तो अब कितने बाल बचे हैं आपके सर पर? अभी सर जो आपकी कंडीशन है वही से मेरी कंडीशन है। आपकी तरह ही बाल है। नहीं, ये कॉल करने वाला कॉलर और ये एंकर पर्सन, इन दोनों को देख के सुन के इनकी परेशानी का मुआयना करके मुझे एक गाना याद आ रहा है। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। वजीर साहब ने मेरे जमात छोड़ा और अब भी वही वजीर अपनी जमात में। अंदर के जज्बात निकल रहे हैं। वैसे बाजी बिलावल एक बात तो बताएं, आप ऐसे करके क्यों लोगों के जहनों में जो पहले से शक्को शुभात मौजूद हैं उनको मजीद तकवियत दे रहे हैं? ना किया करो ऐसे, लोग गलत राय कायम कर लेते हैं। और अब भी वही जमीन अपनी जमात में। एक मिनट, ये बिलावल है ना, ये जिंदा है? मैंने तो एक आंटी से सुना है कि ये फौत हो गए हैं। जब से मैं बीबी शहीद हमारे साथ है और उसका लखते जिगर बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है, बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। Shut up. Satisfy है, ये पूरे गेट एक बार पार कर चक्कर लगवाते हैं? हाँ जी पूरे रहा। वो गेट पे जाएंगे, यहाँ गेट पर जाएंगे, बस बिल्कुल। अगर आप हमें इजाजत दे तो हम कुछ सवारियों से भी बात करना चाहेंगे। ओ जी ओ चाचा जान, क्या बात है, क्या पिस्ती कर दी है, उन्हीं की जुबान में आपने कहा है नहीं नहीं प्लीज हमारे पास टाइम नहीं, आप जाएं। और सही बात है भाई, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्यों इधर उधर की फजूल बातों में टाइम जाया करें? हमें कोई शौक नहीं टीवी पे आने का, और चाचा जान की यही बात मुझे अच्छी लगी, कैमरे पे आने का कोई इश्तियाक नहीं भाई, हमें रोजी कमानी है अपने बच्चों के लिए। अच्छा आंटी आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज है जो धूप में नहीं सूखती? ये आंटी किसको बोल रहा है अभी आपको? क्यों? अच्छा ये वीडियो मैं जब भी देखता हूँ मेरा आशा छूट जाता है, क्योंकि आंटी बड़ी सीरियस होके, बाकी बातें छोड़ो वो तो होती रहेंगी, सवाल जवाब होते रहेंगे, ये बात बताओ आंटी किसको बोला तुमने? है ये आंटी किसको बोल रहा है अभी? नहीं, वो छोटे से मेकअप किट में पड़ी हुई लिपस्टिक जितनी लड़की अपनी उम्र से बड़ी खातून को, यानी कि आपको आंटी ना बोले तो क्या अपना बड़ा भाई बोल ले? मुझे क्यों आंटी बोल रहा है आपने?
मैं क्या बोलूँ आपको, जो भी बोले बाजार में खड़े हो गए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। शादी का क्या लेना देना, लफ्स आंटी से। कई लड़कियां शादी के 10-15 साल बाद भी आंटी नहीं लगती और कहीं पहले ही लगना, जैसे कि आप। ये नेचुरल है और ये भी नेचुरल है कि लड़कियां अपनी उम्र के मामले में काफी पेचीदा और सेंसिटिव होती हैं, और वो हमेशा 18 साल की थी, 18 साल की हैं और 18 साल की ही रहना चाहती हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी किसी दिन पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो अभी खत्म हो चुकी है। भाई जान देखो, ये वीडियो जिसने पहले देखी हुई है उसको पता चल गया होगा कि मैंने हर क्लिप में एक नया डायलॉग ऐड किया है। तो इसलिए यार, अगर लाइक्स ना आए तो मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाना, यकीन करे नहीं बनाना। 12,000 टारगेट रखने लगा हूं, बस जल्दी जल्दी पूरा कर दें। और जो लोग पहली दफा तशरीफ लाए हैं वो भाई सब्सक्राइब कर दें। मेरे ख्याल से आप एक एंटरटेनिंग चैनल में दाखिल हो चुके हैं, बस सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बाकी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।